सवाल ये है कि व्यवस्था बनाने वाले खुद 2 साल रहेंगे या नहीं। सपा मुखिया अखिलेश यादव अपनी इस नई पोस्ट में बिना नाम लिए एक साथ कई निशाने साध रहे हैं, साथ ही यूपी से लेकर दिल्ली तक का जिक्र कर दिया है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव 2024 की हलचल के बीच योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला जो ले लिया है। उत्तर प्रदेश में सोमवार को कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, इसी में डीजीपी की नियुक्ति पर भी कैबिनेट की मंजूरी मिली। इसके बाद यूपी में डीजीपी की नियुक्ति राज्य सरकार के स्तर से ही हो सकेगी। इस पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार पर तंज कसा है, कहा है कि कहीं दिल्ली से अपने हाथ में लगाम लेने की कोशिश तो नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य पुलिस के मुखिया यानी महानिदेशक के पद पर नियुक्ति की नई प्रक्रिया के लिए एक प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी दी है। अब यूपी में डीजीपी के चयन के लिए संघ लोक सेवा आयोग को नाम भेजने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि राज्य सरकार खुद ही ये नाम तय करेगी। नए नियम के तहत डीजीपी का कार्यकाल 2 साल का होगा। सरकार के इस प्रस्ताव और कैबिनेट से मिली मंजूरी पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज लोकसभा सीट से सांसद अखिलेश यादव ने तंज कसा है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर अखिलेश यादव ने दावा किया कि यूपी में 2 साल में सरकार बदल जाएगी। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया साइट पर लिखा, सुना है किसी बड़े पुलिस अधिकारी को स्थायी पद देने और उसका कार्यकाल 2 साल बढ़ाने की व्यवस्था बनाई जा रही है। सवाल ये है कि व्यवस्था बनाने वाले खुद 2 साल रहेंगे या नहीं। सपा चीफ ने लिखा, कहीं ये दिल्ली के हाथ से लगाम अपने हाथ में लेने की कोशिश तो नहीं है, दिल्ली बनाम लखनऊ 2.0। दरअसल प्रदेश में अब डीजीपी की नियुक्ति राज्य सरकार के स्तर से ही हो सकेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट ने इस बाबत पुलिस महानिदेशक चयन एवं नियुक्ति नियमावली 2024 को मंजूरी प्रदान कर दी। इसमें हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में मनोनीत समिति गठित करने का प्रावधान किया गया है। वहीं डीजीपी का न्यूनतम कार्यकाल 2 वर्ष निर्धारित किया गया है। मनोनीत समिति में मुख्य सचिव, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नामित अधिकारी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या नामित अधिकारी, अपर मुख्य सचिव गृह, बतौर डीजीपी कार्य कर चुके एक सेवानिवृत्त डीजीपी सदस्य होंगे। इस नियमावली का उद्देश्य डीजीपी के पद पर उपयुक्त व्यक्ति की नियुक्ति के चयन के लिए स्वतंत्र एवं पारदर्शी तंत्र स्थापित करना है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उसका चयन राजनीतिक या कार्यकारी हस्तक्षेप से मुक्त है। इसके अलावा डीजीपी को पद से हटाने से संबंधित प्रावधानों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। किसी आपराधिक मामले में या भ्रष्टाचार के मामले में, या यदि वे अन्यथा अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करने में विफल है, तो राज्य सरकार द्वारा उन्हें 2 वर्ष की अवधि पूरा होने से पहले ही उन्हें उनकी जिम्मेदारियों से मुक्त किया जा सकता है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।